झिंगाबाद प्रखंड के झलकडीहा पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के शुरुआत में सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, BDO क्यूम अंसारी, CEO कृष्ण कुमार मरंडी, मुखिया, सामाजिक कार्यकर्ता विपिन सिंह, गुड्डू शेख, नीलकंठ मंडल आदि के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारे और जो लोगों को समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, इस उद्देश्य के साथ सरकार आपके द्वार हर पंचायत वार जा रही है और लोगों की समस्याएं सुन करके उनके आवेदन को लेकर के समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि यह सरकार का बेहतर कार्य है, लेकिन इस पर पहल होना नितांत आवश्यक है। बेगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। आपकी सरकार आपके द्वार अच्छा पहल हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह पहल होगा तो गरीबों को बहुत सुविधा मिलेगा। आदिवासी का बाहुल क्षेत्र होता है, उसमें बहुत आदिवासी को यह जानकारी नहीं है कि किस लाभ मैंने किस योजना का हमको लाभ मिलना चाहिए। अंदर से यहाँ बहुत अच्छा पहल मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, ठीक है। अगर इस तरह सरकार कर रहा है बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम आज हम लोग झलकडीहा पंचायत प्रांगण में आयोजन किए हैं, जिसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है। छात्रों के पेंशन का आवेदन काफ़ी प्राप्त हो रहा है, लोग टीका ले रहे हैं और जांच शिविर के माध्यम से हम लोग टीकाकरण, पेंशन और अन्य विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। क्या कर्मचारी फ्रेंचाइज में तो अंचल के विभाग से भी योजनाओं की जानकारी मिल रहा है, उसका लाभ ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग 100 से ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, 100 से ज्यादा लोग पंजीकरण कराएंगे, आवास का आवेदन लिया जा रहा है। कुल मिलाकर आज इस पंचायत प्रांगण में हम लोग 500 से 600 आवेदन लेने की उम्मीद है जी। आज के कार्यक्रम में जिस तरह से लग रहा है कि सरकार का जो प्रक्रिया है, जो नीति अपनाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से यदि सब दिन होता रहे, जिन जिन योजनाओं का, जिन जिन तरीका से, जिन जिन निपटारा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें सराहनीय योग्य है सरकार का। इसमें मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों को मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि मैंने जो चीज इस तरह से सरकार चले और अच्छा से चलावे, हम लोगों के लिए भी सुविधा होता है कि एक दिन में यदि काम कर देते हो कि हम लोग को फुर्सत मिलता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा जो गरीब लोग जो तकलीफ में है, उसके लिए भी ये सुविधा हो जाती है। अपना लोकल में, अपना घर पर, अपना द्वार पर अपना काम को निपटारा करने का प्रयास हो जाता है या प्रयास हो जाता है, कर लेते हैं। यही हम चाहते अपना बने जी। धन्यवाद। आज बेंगाबाद प्रखंड के झलकडीहा पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए हैं और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे इस पंचायत के बहुत से हमारे वृद्धा बुजुर्ग, किसान, मजदूर सभी लोग उपस्थित हुए हैं अपना फरियाद को लेकर के और आवेदन दे रहे हैं और सबका आवेदन पर सुनवाई हो रहा है और सुनवाई के बाद ऑनलाइन आपका आवेदन का भी मैंने ऑनलाइन किया जा रहा है। अब देखते हैं कि सरकार इस पर आगे क्या करती है, उस पर त्वरित कार्रवाई करती है कि पेंडिंग में रहता है। और हम लोग जनता के सहयोग में आए हुए हैं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। सभी लोग जो भी जनता का समस्या है उसमें फॉर्म भरने में, समझाने में क्या लाभ है, क्या योजना सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का क्या क्या योजना है और प्रशासनिक पदाधिकारी कर्मचारी लोग आए हुए हैं। सभी जगह पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। यही हम लोगों को मदद कर रहे हैं। अब देखते हैं, झारखंड सरकार वादा से मुकरती है क्योंकि बहुत बार बोल बोल के मुकर जाती है, भरोसा तो टूट चुका है लेकिन आशा बचा हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है। जी धन्यवाद जी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।